फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंध फूड अथॉरिटी, हमें अभी सोशल मीडिया के थ्रू कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि यहाँ पे कल कोई बासी प्रोडक्ट थी वो खाकर उल्टी हो गई थी बच्चे को, तो हमने विद इन हाफ एन आवर एक्शन लिया, हम मौके पर पहुँच गए थे, पुलिस हमारे साथ थी, चेस का जो इंतजामिया है वो भी हमारे साथ है, जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो भी हमारे साथ है। तो अभी इनका देखते हैं क्या मौके से वो आपको दिखा देते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम फुरकान है, मैं बच्चे का वालिद। ठीक है, कल ऐसे एक सडनली इंसिडेंट हो गया था, ज़ाहिर है एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझने के हो गई थी, और मैं वो बच्चे ने असल में पिज़्ज़ा जो है वो खाया और उसके हलक में अटका है, और उससे जो है इसको वोमिटिंग्स होना शुरू हो गई थी, और वो बाद में पता चला कि वो पिज़्ज़े के अंदर जो कैचअप था वो एक्चुअली बाहर उसका आउटफ्लो हुआ था। तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सिंध फूड अथॉरिटी के, कि उन्होंने बहुत टाइमली एक्शन लिया है, और मैं इनको अप्रिशिएट इस चीज़ पे करता हूँ। ये बिक्री के ऑनर भी मेरे साथ खड़े हैं, मुझे इंशाल्लाह इनसे कोई शिकायत नहीं है। जी जी बिल्कुल, मेरा नाम ताहिर है और किड्स बेकरी का ओनर हूँ मैं, और जो कल इंसिडेंट हुआ उसमें मैं भी बाप हूँ, मुझे भी पता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी क्या बीत रही होती है। तो उस वक्त जो इन्होंने रिएक्शन दिया वो बिल्कुल ठीक था, उनके हिसाब से उनको नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो हर बाप किसी तरीके का रिएक्शन देता है, और ठीक है वो एक मिसकन्फ्यूजन कह ले या कन्फ्यूजन कह ले कि क्या हुआ किसके साथ हुआ, तो मेरी तरफ से भी कोई क्लेम इन पर नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ कि उनका मैंने जो भी किया वो उनका राइट था उस वक्त, पर जो अब इन्होंने बाद में रात को ही अपोलोजाइज कर लिया था तो उसी वक्त हमारे पास ये मैटर क्लियर हो गया। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि ये ताहिर भाई बेकरी के ओनर जो हैं, ये चेस की इंतजामिया सबने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया, और ये रात को भी आए थे एक दफ़ा फिर बच्चे को चेक करने, मगर बच्चा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट था, इनकी तरफ से गिफ्ट भी आए हैं बच्चे के लिए, सारी चीज़ें हुई हैं, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ताहिर भाई को, उनकी चेस की इंतजामिया को, और सिंध अथॉरिटी की, कि इन लोगों ने भी बहुत टाइमली एक्शन लिया, तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट और थैंक यू कर रहा हूँ। मजीद आप ये एक बात पहले एक बात और कह दें, कल ये जो तमाम चीज़ें थी वो हमने तलब कर दी, हमें एक्शन लेना चाहिए था, हमने बिल्कुल वही एक्शन लिया, और उस वक्त सारा जो भी सामान था उसको, चाहे वो सही था चाहे ख़राब था, उसको डिस्कार्ड कर दिया था, और उस वक्त सेल यहाँ रोक दी थी। आज जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुई उसकी थोड़ी देर बाद, शायद विद इन आवर, जो है सिंध फूड अथॉरिटी के जो अफसरान थे वो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आके प्रॉपरली चेक किया, हमें बाकायदा तौर पे जो कंप्लेनेंट थे बच्चे के फादर उनको बुला के इस चीज़ को क्लेरिफाई कराना पड़ा, लेकिन आई अप्रिशिएट के सिंध फूड अथॉरिटी एटलीस्ट काम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।